तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब हमें करना है अपने होटल से चेकआउट और हम चल रहे हैं वापस अपने देश सर्बिया में। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड कमागड़ी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है हमारा लास्ट एपिसोड हमारी पूरी दुबई सीरीज़ का। तो अगर आपने हमारी वो दुबई सीरीज़ मिस की है तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं हर एक एपिसोड को, जिसको देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, प्लस आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। दुबई आए और शॉपिंग ना हो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। छोटे से छोटे ब्रांड से लेके बड़े ब्रांड तक की शॉपिंग हम ज़रूर करते हैं यहाँ पर। अब इन ब्रांड्स के ऊपर हम बहुत मोटा टैक्स भी पे करते हैं। ये टैक्स का हम रिफंड कैसे लेंगे, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहे इस वीडियो में एंड तक। ऑफकोर्स अगर जब दुबई आए हैं तो, और फेस्टिवल सीज़न जब चल रहा है यहाँ पे, शॉपिंग फेस्टिवल सीज़न, तो आप डेफिनेटली काफ़ी सारी शॉपिंग करके जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे बैग्स भर चुके हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप शॉपिंग करें तो हमेशा अपना जो है आप वैट का रिफ़ंड ज़रूर लें यहाँ पे। और आप जब बिलिंग कराएंगे अपने जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया है, शॉपिंग करी है जो भी, अगर वो आपके 250 दिरहम से ज़्यादा है तो उस पर आपको वैट रिफ़ंड मिलता है। सिंगल बिल पे 250 से मिनिमम 250 होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर आपके पास है तो आपको वैट रिफ़ंड मिल जाएगा। और एयरपोर्ट पे जो है आप जब आएंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये वैट रिफंड के काउंटर्स मिलेंगे जहाँ पे आप अपने बिल्स को प्लस अपने प्रोडक्ट दोनों को आप चीज़ों को शो करके आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो अप टू 85% तक आपको क्लेम रिफंड मिल जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप अपना बिलिंग कराते हैं तो उसी में आप उनको काउंटर पे बोल देना कि हमें जो है हमारा टैक्स रिटर्न आप जो है बिल बनाए। वो उस बिल में क्या करते हैं, जो बिलिंग बिल जो आपको देते हैं उसके पीछे वो एक स्टैम्प लगा के देते हैं, वो आप शो करेंगे यहाँ पर, अपना पासपोर्ट शो करेंगे, और जो भी सामान आपने लिया है वो आप वो चेक करते हैं वो वहाँ पर, और आप अपना रिफंड क्लेम दे सकते हैं। प्रोडक्ट जब आपने कुछ गोल्ड की परचेज़ की है तो उसमें आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें आपने लिया है वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट माइंड में रखने वाली ये है कि वो सामान जो है पार्शली या फुली यूज़ नहीं होना चाहिए, वरना उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। तो हमारा रिफंड मैं यहाँ बात करके आया, इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आइटम का बिल देखा, पासपोर्ट डिटेल मांगे, फ्लाइट डिटेल मांगे, और इमिग्रेशन के बाद इनका एक और काउंटर है जहाँ पे इनको आइटम दिखाना पड़ेगा जो आपने लिया है। आपने पहना हुआ है तो भी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये गोल्ड के लिए मैंने आपको बताया कि आपको नहीं दिखाना पड़ता, बट दिखाना पड़ेगा आपको। दिखाना पड़ेगा गोल्ड के लिए भी। ओके, और आप अगर आपने पहन रखा है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो इमिग्रेशन के बाद है, वहाँ पे हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो चलो चेक इन कराते हैं और जो भी बीच बीच में आप नई इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ओके, तो इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आप स्ट्रेट जाएं और राइट साइड पे टर्न लेंगे तो आपको जो है एक फिर से एक वैट रिफंड का जो काउंटर मिलेगा, जहाँ से आपको जो भी आपने परचेज किया उसका रिटर्न रिफंड हमें मिल जाएगा, मीन्स मनी। अब मनी के लिए दो हैं, आपको कैश में चाहिए या फिर आपके अकाउंट में चाहिए। कैश के लिए था वो हमें ऊपर जाना था, और हमने कैश में दिरहम मिलता है, दिरहम हमारे पास ऑलरेडी है तो उसे हम वैसे भी ड्यूटी फ्री पे खर्च करके जाने वाले थे, क्योंकि हम लोग उसको लेके जाना हमारे लिए वो वर्थफुल नहीं था। तो वहाँ से हमने लाइक अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र ले लिए जो यूरो में हमें मिल जाएंगे, और ड्यूटी फ्री से हमने किए कुछ शॉपिंग जो अभी भी कुछ चल रही है। फिलहाल अभी मैगडी में है हम लोग, मैगडी में बैठ के थोड़ा सा पूजा करके फिर हम आगे निकलेंगे। तो एक बेनिफिट जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी कि लाइक जो भी दुबई फेस्टिवल सीजन जो चल रहा है, इसमें जो है लाइक ड्यूटी फ्री एरिया में आपको एक तो वैट टैक्स तो वैसे भी नहीं लगता, दूसरा चीज़ अभी फेस्टिवल सीजन की वजह से आपको एडिशनल 25 से लेके टिल 30% तक आपको जो है एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। तो बाहर से लेने की जगह आप ड्यूटी फ्री पे भी चेकआउट कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग करी ड्यूटी फ्री से, सबसे ज़्यादा वर्थफुल रहता है आपका कॉस्मेटिक्स लेना, परफ्यूम्स लेना, तो वो हमने काफ़ी सारी यहाँ पे शॉपिंग किया। एक यहाँ पे एक सुवेनियर शॉप भी है, लाइक गिफ्ट शॉप है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, उधर भी अच्छे अच्छे आपके पास ऑप्शंस हैं वहाँ पे गिफ्ट करने के लिए। एंड
प्लस मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपना रिफंड लेना मत भूलना, क्योंकि जैसे आप दुबई ऑफिस से जब आप आ रहे हैं, तो अगर अभी हमने जैसे यहाँ पे शॉपिंग किया लक्ज़रीस बैग्स की, क्लोथ्स की और गोल्ड की जो शॉपिंग हमने करी तो उसमें हमें अच्छा खासा रिफंड मिल गया था। तो बट एक चीज़ आप ध्यान ज़रूर रखना कि सामान आपके पास वो होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमें काफ़ी नुकसान में भी गए, क्योंकि हमने कंबाइंड शॉपिंग भी कहीं पर करी थी तो जिसका हमें नहीं मिल पाया बेनिफिट, बिकॉज आधा सामान हमारे पास और आधा मामा या अर्शा के पास था, तो हमें उसका रिफंड नहीं मिल पाया। तो बट अगर आप अकेले आ रहे हैं और आप शॉपिंग कर रहे हैं, 250 दिनार से दिरहम से ज़्यादा आपने शॉपिंग अगर करी है तो आपको पर बिल पे, तो आपको जो है उसका रिफंड मिल जाएगा। तो आप रिफंड लेना मत भूलना। ड्यूटी फ्री से हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट इतनी सारी हो चुकी है और अभी हम और भी चीज़ें देख रहे हैं। दुबई फेस्टिवल सीजन से हमने क्या क्या शॉपिंग की, लग्जीरियस शॉपिंग करी, और यहाँ ड्यूटी फ्री से क्या क्या शॉपिंग करी है, इसके ऊपर एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे जिसमें मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई। और सीरियसली मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग की, इतनी ज़्यादा शॉपिंग करी अभी, मज़ा आ गया। मतलब दिन इस साल की शॉपिंग ख़त्म हो गई, एंड ईयर ये ख़त्म होते होते जो है ना पूरा मेरा ये मेरा सांता। तो दुबई एयरपोर्ट अब हमेशा टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करना, क्योंकि पहला तो आपको चाहिए अपना वैट रिफंड, जिसमें आपको शायद कभी के बाद थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, और दूसरा है यहाँ का ड्यूटी फ्री सेक्शन एरिया एक्सप्लोर करना, जो कि अपने आप में ही काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। प्लस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अमेजिंग ऑफर्स भी मिल सकते हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स पे, जिनका फ़ायदा मैंने भी उठाया है यहाँ पे काफ़ी सारी शॉपिंग करके। सो पास्ट 6 or rather 7 days पास्ट क्वाइट हैप्पीली एंड क्वाइट क्विकली। सो द गुड थिंग इज क्वाइट हैप्पीली, बट द सैड पार्ट इज दैट दे पास्ट क्वाइट क्विकली। वी हैड अ लॉट ऑफ फन विद फैमिली, वी डिड अ हॉलीडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मे वी ऑल बट टुगेदर बट हैड अ रियली ग्रेट टाइम टुगेदर। दुबई एंजॉयड अ लॉट, more of sophisticated India, as I was saying to Richa as well. So the food, the people, the culture is as per our taste, but we had a great time, visited a lot of places, walked a lot that was the tough part. So we used to leave hotel at around 10 and we used to reach again at around 11 in the night and all, but long tiring days, but worth every minute, every second was worth. And now we are flying back to Belgrade via Fly Dubai. So and from tomorrow onward, back to normal routine. Yeah, back to the routine it would be. So and we also wish you a great holiday season to you and your family. Yes. Have a great one. Yeah. So ending our vlog as of now, and see you all in Belgrade. So till then, take care and.